अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आए आपको एक मंजर दिखाता हूँ रजब अशरफ में, 12 रजब का, 13 रजब से पहले। अबुल फजल आ रहा है ज़ियारत करके मौला अली अलैहि सलाम की, और ये खूबसूरत मंजर हरम इमाम अली अलैहि सलाम का, 13 रजब एडवांस में मुबारकबाद। आज रात यूट्यूब चैनल शाकिर अली नशवी पे लाइव देखिएगा, हरम इमाम अली अलैहि सलाम में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मोमिनीन लाइव यहाँ पर सना फानी करेंगे और अशआर पढ़ेंगे। हरम इमाम अली अलैहि सलाम में खूबसूरत मंजर, 12 रजब की शब, कल जश्न का दिन है, और देखें मंजर नजर अशरफ में। मेरा रजब अल मुरजब की आमद आ तमाम मोमिनीन को मुबारक। मौलूद काबा बारह रजब अल मुरजब का ये मंजर आप देख रहे हैं, और 13 की शब होने जा रही है। हरम इमाम अली अलैहि सलाम को किस तरह सजाया गया है और किस तरह का मंजर है, मौलूद काबा का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के मोमिनीन आए हुए हैं। ईरान के ज़ायरीन पहुंच चुके हैं, यूके से लोग आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, इंडिया से, पाकिस्तान से, और बहुत सारे ममालिक से यहाँ पर मोमिनीन पहुँच चुके हैं 13 रजब अल मुरजब का जश्न मनाने के लिए। मौलूद काबा वो अमीर अल मोमिनीन के जिसके लिए अल्लाह ने ख़ुद मकान मुअय्यन करके हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की जगह काबतुल्लाह को मुकर्रर की, जिसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में फ़ख्र करते थे और कहते थे अल्लाह ने जो हज़रत अली को, अल्लाह ने मुझ अली को जो मकाम दिया है, कायनात में ऐसा मकाम किसी को नहीं है कि मेरी विलादत काबतुल्लाह में है। अल्लाहु अकबर, बेशक मेरे मौला, बेशक मौला, जो कायनात में अल्लाह ने आपको मंजिल और मकाम दिया है, ऐसा मंजिल और मकाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका ही है। अबुल फज़ल ईद मुबारक। चले जी, आपको दिखाता हूँ हरम में जश्न के समा पर क्या क्या यहाँ पर जो है तैयारियाँ की गई, क्योंकि ज़्यादा तैयारियाँ नहीं की जाती। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम होगा कि 15 रजब बीबी ज़ैदा की शहादत है, तो फौरन ही ये बैनर हटाने पड़ते हैं, तो जिस वजह से यहाँ पर जितने बैनर हैं होने चाहिए वो नहीं लगाते। अलैकुम सलाम या वलीदुल काबा, अल्लाहु अकबर, ए वो जिसकी विलादत काबतुल्लाह में हुई। शाकिर भाई, ये जो फूल लगाए गए हैं, आपने तस्वीरें अपलोड की, पूरी दुनिया को दिखाया, वो कहाँ है, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और जश्न का समा है। आदम नहीं, दूसरा आदम अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, कौन है वो जनाबे जश्न का समा, कोने कोने पर यहाँ पर फूल निशावर कर दिए गए हैं, वो देखें आप। اللهم صل على محمد وآل محمد, नारा हैदरी या अली। इसका जवाब मुझे कमेंट्स में चाहिए, जो भी मेरे मौला अली का चाहने वाला है और चाहने वाली है, सब इंशाल्लाह कमेंट्स में जवाब देंगे। अल्लाह
कितना खूबसूरत मंजर है, मेरी दुआ है आज के दिन रसूलल्लाह भी खुश थे, आज के दिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी, आज के दिन फातिमा ज़हरा भी, आज के दिन कायनात में हर वो खिलकत खुश है। अल्लाह अकबर, आज के दिन फरिश्ते भी खुश हैं, खुद खुदा भी खुश है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद पर आप मोमिनीन भी खुश हैं। और ये दिन ऐसा है, अल्लाह अकबर, जब आता है तो वो वक्त याद आता है, वो दिन याद आता है जब काबतुल्लाह में शिगाह पड़ा और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आने की खबर कायनात में फैली, और ऐसी फैली कि लोगों ने उस शिगाह को छुपाना चाहा, मगर कभी हवाओं के ज़रिए से, कभी किसी वजह से वो शिगाह ज़ाहिर होता रहा और अभी भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा, क्योंकि मेरे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अम्मा की आने और जाने की जगह है। और ये दलील है मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हामद की कि उनकी विलादत हो और उसकी आमद काबतुल्लाह में। आप तमाम मोमिन जितने भी देखने वाले हैं, आप सबको मुबारकबाद मुबारकबाद। जो भी मोमिन है ज़रूर जवाब देगा 13 रजबुल मुरज्जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक। इंशाअल्लाह आज रात को इंशाअल्लाह वीडियो लाइव इंशाअल्लाह जो जश्न हो गया इंडिया और पाकिस्तान के मोमिनीन और दुनिया भर से आए हुए शुअरा की, तो वो ज़रूर इंशाअल्लाह मेरे साथ रहेगा, आपको दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल शाकिर अली नशवी पर। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मुबारकबाद। आप तमाम मोमिनीन मोमिनियत जितने भी देख रहे हैं सबको मुबारकबाद। 13 रजबुल मुरज्जब, ये 12 रजबुल मुरज्जब का जो है मंज़र आपके सामने है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह फूल निशावर किए गए हैं। कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ये फूल सजाए गए हैं। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिल और आंखें थकती नहीं है ऐसे मंजर को दिल करता है देखते रहें, अपनी आंखों को नूर बख्शें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके रोज़े की। मेरी दुआ है मौला आपको ये दिन नसीब करे 13 रजब में। चलें जी एक और मंजर दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको इंशाअल्लाह ज़री एक दस इमाम अली अलैहिस्सलाम कोशिश करूँगा इसी वीडियो के अंदर आपको दिखा सकूँ। बेहतरीन कारपेट, बहुत सारे मोमिनीन ने कहा कारपेट के ऊपर नाम क्यों है हाजी अली अंसारी का, जिसने ये 10,000 कारपेट दिए इमाम अली अलैहिस्सलाम को हर साल देता है। भाई ये इस बंदे का नाम है, ईरान का कल्चर अलग है और वो फ़ख्र समझते हैं कि हमारे नाम के ऊपर कोई ज़ायरीन चले, और ये इस शख्स का नाम है ना कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। इस नाम पे हाथ रखेंगे तो वज़ू की ज़रूरत नहीं, मगर यही नाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कागज़ पे लिख के उसकी नियत करके आप हाथ लगाएं तो वाजिब है, ज़रूरी है आप वज़ू में हों बावज़ू होकर, ठीक है। चले जी ज़री का एक मंज़र दिखाने जा रहा हूँ आपको, अल्लाह करे दिखा सकूँ। आप तमाम मोमिनीन को 13 रजब मुबारकबाद। अल्लाहु अकबर, ज़री अकदस की आपने ज़ियारत की, और फिर से कोशिश करूँगा कि ज़री अकदस आपको ज़ियारत करा सकूँ। किस तरह हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम को फूलों से सजाया गया है। मेरे मौला जितने भी देखने वाले हैं
हर एक आपको सलाम कह रहा है और मुबारकबाद दे रहा है, इन सब की मुबारकें कबूल फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इतना खूबसूरत रोज़ा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। जी बिल्कुल, अल्लाह अकबर। ज़री की भी ज़्यारत कर ली आपने और ये मंज़र देख रही हैं, टीवी पे लाइव चल रहा है कर्बला चैनल पर। अल्लाह अकबर, हर कोने कोने पे जश्न का समा। कल तो ये पूरा रोज़ा अल्लाह अकबर जगमगाता रहेगा, और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जब हर मोमिन कसीदा पढ़ेगा और ख़ुशी मनाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ तो कल का जो दिन होगा वो कैसा होगा। अर्श वाले फर्श पे अली की शियों को देख कर कहते हैं, या खुदाया हम तो आसमान पे आपने सितारे बनाए, हम उनको देखते हैं चमकते हुए। ये ज़मीन पे सितारे हमें आसमान वालों को नज़र आ रहे हैं, ये कौन है? तो रवायत में मिलता है, इनको जवाब आता है कि ये हज़रत अली इब्न अबी तालिब के शिया हैं, चाहने वाले हैं। कोने कोने पर आपको ज़ायरीन का एक मजमा मिलेगा, कोई फ़ज़ाइल पढ़ते हुए, कोई इबादत करते हुए, कोई कसीदा, कोई मनकबत, कोई सना खानी, कोई अशार पढ़ते हुए, कोई इबादत करते हुए, कोई कुरान पढ़ते हुए, कोई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, और कोई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़्यारत करते हुए। मैं लाजिम समझता था कि 13 रजब से पहले भी आपको ये मंज़र दिखाऊं। कुछ देर पहले यहाँ पर एक ख़ूबसूरत, यहाँ पर जो आपने कसीदा सुना वो यहाँ पर किसी ने पढ़ा, जो खलीज और सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा सना ख्वान था, अली अली मौला, उसके नाम पे लिखेंगे तो आपको वो मिलेगा, ख़ूबसूरत पढ़ता है। तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि उसका कसीदा आप सुन सकें। मम्मी से गुजारिश, जो वीडियो देख लेता है वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें। अलीम मौला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मौला, मेरे आका, या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जितनी मोमिन देख रहे हैं हर एक का सलाम कबूल फरमा, हर एक को 13 रजब अपने घर पे नसीब फरमा। इलाही आमीन। एक मरतबा फिर से आपको यही फूल, जो दिल करता है कि काश मैं भी एक फूल होता मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दर का। मगर अल्लाह ने तो हज़रत अली के चाहने वाले को सितारे की मानंद फरिश्तों को दिखाया है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। फरिश्ता कहने से मेरी तोहीन होती है, फरिश्ता कहने से मेरी तोहीन होती है, मैं सजूदे मलाइका हूँ, मुझे इंसान रहने दो। चले जी, आपको ये मंज़र कैसा लगा अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं आपके साथ शाकिर अली नशपी, नजफ अशरफ एराज। 13 रजब आज रात इंशाल्लाह आपको मंज़र दिखाया जाएगा लाइव यूट्यूब चैनल शाकिर अली नशपी पर।